आजमी मर्दों का वास्ता बहुत बड़ी खुशखबरी ले कयो छो। ये कजन हम पर बहुत जुल्म कर जाए और मर्द बिचोर कुछ नहीं कर सको चाहे। आज हजारों साल बाद यूं जननियों थे परेशान कनो को नुस्खा मिल गया। कैल ठीक ही बोल चाहे कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज हम थे वो नुस्खा मिल ही गया। जैसे हम अपनी कजनियों थे फुल कंट्रोल मर रख सकदो, वे नुस्खा थे मैं आप लोग में बतानो छो। लेकिन खबरदार कजनियों दगड़ में शेर न करिया भारे। अब ध्यान से सुनो उन नुस्खा क्या छ। कजनियों थे शॉपिंग करने को बहुत शौक रेंद, तुम्हें थे शॉपिंग कराओ, वी का नाम पर कार लाओ, मकान लाओ और घर को फ्रिज एसी सब कुछ ले जाओ कजनी नाम पर, और हर सामान किस्तों पर लान लोन लेके, और सब लोन लाओ कजनी नाम पर, और तुम 4 महीने तक किस्त रोक दिया। वे कब आदमी थे बताने की जरूरत नहीं छ, आप लोग खुद ही समझदार छो। जब तक लोन की किस्त चनी रहली तुम्हार कजान तुम्हार कंट्रोल में रहली। आजकल लोग मी खुने कमेंट्स करी बुना छन बल बगोड़ जी के बाद छ, आजकल आप नेतों पर कुछ नहीं बुना छो। 1998 बटे और आज तक मी नेतों पर बुने लग्यो छो। नेतों पर सबसे पहलू व्यंग कनोल गडवल मा कृष्णा बगोटी चाय बोल दो तुम्हें आज भी छो। पर क्या कन भाई बहनों मेरा सुंदरा बदलेगी न, कोई चमचा बन गई न और कोई भक्त बन गए न। लेकिन फिर भी आप लोगों की फरमाइश करी च तो जरूर सुनोल, अगर सुन सकलिया तो। बगोट विचार का स्वरूप व्यंग बाण सुनानो छो। ना हरक सकत जनता ना फरक सकत जनता, ना हरक सकत जनता ना फरक सकत जनता, ना सोच सकत जनता ना बोल सकत जनता, हथ पर मेहंदी लगई गिच जमई दे, हथ पर मेहंदी लगई गिच जमई दे, कन रचई रांचना हिने तो तू मरी जय, कन रचई रांचना हिने तो तू मरी जय। जन बोल दे ना मुर्दा हो तो मुर्यू हो, मुर्दा अगर मुर्यू नहीं हो तो मुर्दा क्या, छूरा हो तो पैनू हो, छूरा अगर पैनू ना हो तो फिर छूरा क्या, बांध हो तो बिगरेली हो, बांध अगर बिगरेली ना हो तो फिर बांध क्या, तनी व्यंग हो तो तीखू हो, व्यंग अगर तीखू ना हो तो फिर व्यंग क्या। सुना मले था कसेरा माधो सिंह भंडारी, पानी चारी गयाई बल मले था कसेरा माधो सिंह भंडारी, पानी चारी गयाई तय कु नाम ले की छाती तिल अपड़ फुलाई, तय कु नाम ले की छाती तिल अपड़ फुलाई, जबकि अपना मुंड की खजी बीतिन अपूनी कने, अपना मुंड की खजी बीतिन अपूनी कने, कन रचये रांचना है ने तो तुम्हारी जय। आप नेतों का भाषण सुनो, वे मबूल दिन की हमने उस धरती में जन्म लिया है जहां माधो सिंह भंडारी ने जन्म लिया था, हम उस कुल के वासी हैं जहां पर तीलू रोतेली ने जन्म लिया था। यूं थे कोई पूछनोल वो कि भाई उन तो जो कुछ कंछा कैरिक चल गए न, तिल क्या काई यो बता। कतूरियों थे तीलू रोतेली मार मले थमा पानी माधो सिंह भंडारी लाई, छाती तू किले फुलाणु छे अपनी, न टुक फरे की बलुड़ू ना जलुड़ू फरे दाणी,
ना टुक फरे कि बलुड़ो ना जलुड़ो फरे दानी, अरे फिर भी जमी जांदी कन को धोक जानी, ये फिर भी जमी जांदी कन को धोक जानी, ए दुबोल को जलुड़ो कैल मिठे सा कि तुए, दुबोल को जलुड़ो कैल मिठे सा कि तुए, कन रचये राचना हिने तो तुम्हारी जय। व्यंग हो तो तीखु हो, व्यंग अगर तीखु ना हो तो फिर व्यंग क्या। एक और तीखु व्यंग सुनो, आजकल का हमारा लिखवार जय सब्जेक्ट पर लिखन चाहनु चो वे सब्जेक्ट पर लिख दे थी। मैं आपसे बता दो क्या सब्जेक्ट लिखेना छे और कौन सब्जेक्ट पर लिखेन चाहनु। कागज कलम दवात यक्ष लिखवार कक्ष, कागज कलम दवात यक्ष लिखवार कक्ष, मुमताज को सुलार लाल किला मा आज भी समालिक धरियो च, तिलो रोते लेकी तलवार कक्ष, तिलो रोते लेकी तलवार एक विशेष तलवार छे। लेकिन आज तक कै भी साहित्य कारण ते तलवार को जिगर नहीं कैरी, सब अपना आंख दिखना छन, जौ का खराब छाय बने इन चश्मा लगे इन, सब आंख दिखना छन, जौ का खराब छाय तो आंख बने इन चश्मा लगे इन, बार बार इन दिखाने जरूरत क्या छे कि खंदवार कक्ष, खंदवार कक्ष। जो भी साहित्यकार अपन कलम उठानो छ सबसे पहले खंदवारी लिखनो छ। महात्मा गांधी को बखूर जय जूड से बनु रेंद छाय, वो जूड बिरला हाउस दिल्ली मा आज भी समाधि धरो छ। भगत सिंह थे जान फांसी लगाए हुआ फांस कक्ष, कागज कलम दवात यक्ष लिखवार कक्ष। ई बस गाल लग्या 3 साल हुए गिन धामी जी, इन बताओ मोल्यार कक्ष। हर कोई आदिम अपन मुख पर है कक मुख लगे घुमनु च, हर कोई आदिम अपना मुख पर है कक मुख लगे के घुमनु च, जन भितर च तन भैर अनुवार कक्ष। कागज कलम दवात यक्ष लिखवार कक्ष, मुमताज को सुलार लाल किला मा आज भी समालिक धरियो चा, तीलो रोतेली की तलवार कक्ष। छम 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 नाचेंगे गुन 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 गाएंगे, छम 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 नाचेंगे गुन 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 गाएंगे, कोई हमें तो बतलाओ ये अच्छे दिन कब आएंगे, कोई हमें तो बतलाओ ये अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे ये अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे ये अच्छे दिन कब आएंगे, कोई हमें तो बतलाओ ये अच्छे दिन कब आएंगे, कोई हमें तो बतलाओ ये अच्छे दिन कब आएंगे। जो लोग अच्छा दिन का सार पर बैठा छन मितों की जानकारी का वास्ता बते दियो भाई बहनों, अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। संघर्ष सृष्टि को विधान च और प्रकृति को सिद्धांत च, जख एक किरमोल से लेकी एक हाथी तक जीना का वास्ता संघर्ष करो च, वहां तुम्हारे अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर तुम्हार कीसा कटना खुने बैठा छन, स्कूल मा मास्टर तुम्हार कीसा कटना खुने बैठा छन, नेता तुम्हार कीसा कटना खुने बैठा छन, पुलिस वाला तुम्हार कीसा कटना खुने बैठा छन, वकील जज टैक्सी ड्राइवर दुकानदार नवर्या जगरी बामण वकील हर कोई तुम्हार कीसा कटना खुने बैठो छ, तो फिर तुम्हारे अच्छे दिन कहाँ से आएंगे। अरे भैरव की तो छोड़ो, तुम्हारे कजान और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे केस 10 रुपए निरण दींदा तो तुम्हारे अच्छे दिन कहाँ से आएंगे। भाई तुम्हारा अपना दुश्मन बनाया छन, बोए बाप तुम्हारा अपना दुश्मन बनाया छन, गांव गलो माँ आबत मित्र तुम्हारा दुश्मन बनाया छन, इतका दुश्मनों का बीच तुम अपनी जिंदगी जीणा छो तो तुम्हारे अच्छे दिन कहाँ से आएंगे।